action? Trust me, true believer. Are you Tony's stank? फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने कॉमिक बुक्स को पूरी दुनिया में पॉपुलर किया और जिसके बिना हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, नन अदर देन मिस्टर स्टैनली। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन तो जरूर दबाइए, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। स्टैनली का पूरा नाम स्टैनली लीवर था। इनका जन्म 28 दिसंबर 1922 में हुआ था। इनके पिता का नाम जैक लीवर और माता का नाम सीलिया लीवर था। इन्होंने 1939 में अपनी करियर की शुरुआत की थी और 1961 में वह मार्वल कॉमिक्स से जुड़े। कॉमिक के इतिहास में वह सबसे दिग्गज माने जाते हैं और मार्वल कॉमिक्स को सफलता की ऊंचाई पर ले जाने वाले में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने स्पाइडरमैन, एक्समैन, दी फैंटास्टिक फोर, दी अवेंजर्स और कई किरदारों का सह निर्माण किया। इन सुपर हीरो किरदारों पर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनी। साल 2009 में डिज्नी द्वारा $4 अरब में मार्वल कॉमिक को खरीदने के बाद अधिकतर फिल्में डिज्नी के बैनर तले बनने लगी। ली ने 1939 में उस समय के टाइमली कॉमिक्स के साथ अपना करियर शुरू किया। इतने सालों में उन्होंने एक लेखक, संपादक और इलस्ट्रेटर के रूप में काम किया। कॉमिक पुस्तकें बिजनेस में तब डीसी कॉमिक्स, जहां पर सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न के रचनाकारों का बोलबाला था। उस समय 1960 के दशक के शुरुआत डीसी के जस्टिस लीग के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ली से सुपर हीरो की एक टीम के साथ आने के लिए कहा गया। ली सबसे पहले फैंटास्टिक फोर लेकर आए, जिसके बाद एटलस कॉमिक ने अपना नाम चेंज करके मार्वल रख दिया। और आपको पता है, मार्वल के कैरेक्टर थॉर, हल्क, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टरों ने मार्वल को जमीन से लेके मार्वल को आसमान की बुलंदियों पे ला खड़ा कर दिया। और दोस्तों, हम लोगों में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि स्टैनली ने 2013 में अपनी पहली भारतीय सुपर हीरो फिल्म चक्र बनाई थी। कार्टून नेटवर्क ग्राफिक इंडिया ए पाव इंटरनेशनल की साझेदारी में बनने वाली फिल्म चक्र इनविजिबल को कार्टून नेटवर्क पर लॉन्च भी किया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि वह इसे लॉन्च करने के लिए काफी उत्साहित है। दोस्तों, मैं थोड़ी सी आपको उस चक्र मूवी की स्टोरी बता दूं। फिल्म एक युवा भारतीय राजू राय की कहानी है जो मुंबई में रहता है। राजू और उनके मार्गदर्शक डॉक्टर सिंह एक ऐसी तकनीकी पोशाक विकसित करते हैं जिसे पहनने से शरीर के रहस्यमय चक्र सक्रिय हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम स्टैनली के अचीवमेंट्स की बात करें तो स्टैनली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, स्टार ऑन द वॉक ऑफ फेम जैसे अनगिनत अवार्ड मिल चुके हैं। और स्टैनली ने दोस्तों प्रेसिडेंट एंड एक्स प्रेसिडेंट के रूप में भी मार्वल्स में काम कर चुके हैं। और दोस्तों, स्टैनली ही वही शख्स हैं जिन्होंने कॉमिक जगत में इतिहास रचा है, और वो सच में दोस्तों एक सुपर हीरो से कम नहीं। तभी तो दोस्तों हम उन्हें फादर ऑफ मार्वल कॉमिक बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टैनली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये आपको अच्छी लगी होगी। टिल देन स्टे सेफ एंड दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।